बीते हफ्ते बाजार सिर्फ 5 दिन ही नहीं खुला है, शनिवार को भी बाजार में ट्रेडिंग हुई। हालांकि शनिवार को सिर्फ 2 सेशन के लिए ही बाजार में ट्रेडिंग हुई, लेकिन बीते हफ्ते बाजार ने कैसा परफॉर्म किया, ग्लोबल मार्केट की चाल कैसी रही, किन कंपनियों ने तिमाही नतीजे पेश किए और किन के आने बाकी हैं, आइए जानते हैं मार्केट रैप में। बीता हफ्ता बाजार के लिए मुनाफा वसूली वाला रहा, लेकिन इसके बाद भी यहां अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट भी अच्छा करते नजर आए, अमेरिकी बाजारों ने लाइफ टाइम हाई लेवल छुआ, लेकिन गुरुवार को यहां पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके अलावा फेड के कुछ सदस्यों की कमेंट्री से भी बाजार के मूड पर असर दिख सकता है। फेड सदस्यों ने कहा कि रेट कट के लिए डेटा पर और ज्यादा कॉन्फिडेंस जरूरी है, एक अच्छे डेटा के दम पर रेट कट का फैसला नहीं लिया जा सकता। चुनावी नतीजों के अनिश्चितता के बीच FIIs ने पूरे हफ्ते बिकवाली की है। FIIs ने कैश मार्केट में मई में अब तक करीब 36,000 करोड़ की बिकवाली की। सेंसेक्स निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी में भी नुकसान झेला, हालांकि हफ्ते के अंत तक बाजार रिकवर होते नजर आए। बात करें ग्लोबल मार्केट की तो अमेरिकी बाजारों में नया लाइफ हाई बना। डाउ, नेस्डेक और S&P 500 ने अपने नए रिकॉर्ड हाई बनाए। अमेरिका में अनुमान से अच्छे महंगाई के आंकड़ों और रिटेल बिक्री बढ़ने से बाजार में रैली देखी गई। भारत में भी रिटेल और होलसेल महंगाई के आंकड़े आए। भारत में रिटेल महंगाई की बात करें तो ये घटकर 4.85% हो गई, लेकिन होलसेल महंगाई लगातार दूसरे महीने बढ़कर 1.26% रही। कमोडिटी बाजार में भी तगड़ा एक्शन देखने को मिला। सोना इस हफ्ते कॉमेक्स पर $2400 के पार निकल गया और चांदी ने उससे भी ज्यादा तेजी दिखाई। सिल्वर $30 के पार पहली बार गया। MCX पर भी सिल्वर पहली बार 87,000 के ऊपर निकल गया। क्रूड में थोड़ी नरमी जरूर दिखी, लेकिन कच्चा तेल अभी भी $83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स एक महीने के निचले स्तर पर 104 के पास, तो US के 10 साल की बॉन्ड यील्ड डेढ़ महीने के निचले स्तर पर फिसल कर 4.3% के पास आ गई। इस बीच मार्केट में लिस्टेड कई कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजे भी पेश किए। इसमें M&M, भारती एयरटेल, ABB इंडिया, जोमैटो, LIC हाउसिंग फाइनेंस, HAL, गेल जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे आए। अगले हफ्ते भी बड़ी नतीजे आएंगे। इसमें JSW स्टील, ONGC, भेल, ग्रासिम, ITC, हिंडालको, अशोक लेलैंड और अपोलो पाइप्स जैसी कंपनियों पर नजर रहेगी। बाजार में जिस तरह का माहौल है उस पर ग्लोबल ट्रिगर्स का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा। ग्लोबल मार्केट में मजबूत तेजी के बावजूद हमारे यहाँ बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिली। ऐसे में अगले हफ्ते इस बात पर नजर होगी कि बाजार क्या सेटअप बनाते हुए दिखते हैं। हालांकि हम सोने, चांदी और क्रूड की चाल पर नजर रखेंगे। FIIs बिकवाली का रुख छोड़ते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। साथ ही लोकसभा चुनावों के 5वें चरण में वोटर टर्नआउट के नंबर पर भी नजर होगी। तो ये था बीते हफ्ते का मार्केट रैप। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। देखते रहिए जी बिजनेस।